अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरहीन और आप देख रहे हैं फरहीन कुकिंग्स फॉर यू यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं करेले की बहुत ही सिंपल रेसिपी, करेला फ्राई। तो चलिए देखते हैं ये करेला फ्राई रेसिपी कैसे बनाई जाती है। तो करेला फ्राई बनाने के लिए यहां पर मैंने करेले लिए हैं, जिसको मैंने पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और अब हम इसके चाकू से पतले पतले स्लाइस काट लेंगे। करेले के स्लाइस जो है वो पतले होने चाहिए, अगर आपके स्लाइस पतले नहीं होंगे तो ये करेले जो है वो क्रिस्पी नहीं होंगे। तो देखिए मैंने सारे करेले जो है वो काट लिए हैं, आपको इसी तरह से इसके पतले पतले स्लाइस काटने हैं। तो चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। करेले को फ्राई करने के लिए तेल जो है मैंने चूल्हे पर रख दिया है गर्म होने के लिए, और अब ये तेल जो है वो अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें करेले फ्राई करते हैं। तो करेले को हम हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे। करेलों को फ्राई करने के लिए आपका जो कुकिंग ऑयल है वो काफी गर्म होना चाहिए, तभी ये करेले जो हैं क्रिस्पी फ्राई होंगे। करेले को हम डार्क गोल्डन ब्राउन करेंगे ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं। थोड़ी थोड़ी देर में हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे ताकि ये जो करेले हैं वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं। तो देखिए अब ये जो करेले हैं वो अच्छी तरह से क्रिस्पी फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम सारे फ्राई कर लेंगे। तो देखिए जो सारे करेले हैं वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। तो ये सारे करेले मैंने एक बर्तन में निकाल लिए हैं। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने नमक हाफ टी स्पून के करीब ऐड किया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। रेड चिल्ली पाउडर ऐड कर रही हूँ मैं 1 टेबल स्पून। नमक और मिर्च को हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसमें ऐड करेंगे नींबू का रस। आप नींबू ऐड नहीं करना चाहते तो ना करें, लेकिन लेमन जूस ऐड करने से करेले का कड़वापन है वो कम हो जाता है और एक चटपटा सा टेस्ट इसका हो जाता है जो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो रेडी है हमारा स्पाइसी चटपटा करेला फ्राई। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। तो मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।